थोड़ा सा पीछे रखिए लोगों को, थोड़ा सा इधर पीछे रखिए, ये मिट्टी की जगह है, थोड़ा पीछे रहिए सर, थोड़ा सा थोड़ा पीछे हो जाइए, क्रैक हो रहा है, आप भी गिर जाएंगे यहाँ से नीचे से, ऊपर देखना देखना मिट्टी कितना कराइए धीरे धीरे बोरवेल से जिस बच्चे को हमारे पास अभी लाया गया उसका हम लोगों ने पूरी तरह से चेकअप किया और बच्चे को हम लोगों ने मृत पाया है, ठीक है। और थोड़ा सा और एग्जामिनेशन करने पे उसके आई रिफ्लेक्सेस वगैरह PRPL ये सब देखने पे और राइगर मोर्टिस टाइप पे देखने पे ये भी लग रहा है कि बच्चे को लगभग 6 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं मृत अवस्था में पहुंचे हुए। ये बोरवेल इंसिडेंट था जो एक 4 साल का बच्चा गिर गया था बोरवेल में, लगभग 25 या 26 फीट के उस पे स्टक हो गया था वॉल पे, और उसको पहले तो वर्टिकल डिगिंग किया गया, उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिगिंग करके बच्चे को निकाल लिया गया, उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल PHT के लिए भेज दिया गया। कितनी मशक्कत करनी पड़ी, किस तरीके से निकाला गया, जगह बनाया गया, क्या किया गया? जिस तरह देख ही रहते कि ये बगल में पानी का जो रिसाव हो रहा था टनल में, जो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था NDRF के लिए कि जो पानी निकल रहा था टनल से उसको भी समय समय पर निकाल के फिर डिगिंग की जा रही थी, तो इस तरह से बच्चे के पास से अप्रोच करके पहुँचा गया और उसको वहाँ से सकुशल निकाला गया। शरीर में कोई मतलब हरकत है अभी क्या है? बच्चे का मूवमेंट तो अभी नहीं है, फादर देखिए डॉक्टर और फादर ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या बताते हैं। क्या सुन लेंगे सर? मेरा नाम इंस्पेक्टर विनीत कुमार, टीम कमांडर NDRF।